केंद्र सरकार ने चीनी ऐप टिकटॉक, शेयरइट, वीचैट समेत 59 चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगा दी है। दरअसल काफी लंबे समय से ये मांग की जा रही थी कि चीन के ऐप पर रोक लगाई जाए, और इसलिए भारत सरकार ने सुरक्षा का हवाला देते हुए अब तक 59 चीनी ऐप को बैन कर दिया है। दरअसल इन ऐप का भारत में अरबों का कारोबार है और इनके डाउनलोड का बड़ा हिस्सा भारत में ही होता है। बैन का सामना करने वाले लोकप्रिय चीनी ऐप्स हैं यूसी ब्राउजर, यूसी न्यूज, एमआई कम्युनिटी और टिकटॉक। अब तक भारत सरकार ने जिन ऐप्स पर रोक लगाई है वो मुख्यतः गैर फाइनेंशियल नेचर के हैं। चीन की दिग्गज कंपनियां अलीबाबा, बाइटडांस, बाइडू, टेंसेंट आदि ने इन ऐप्स में काफी भारी निवेश किया है। भारत में इनकी डाउनलोडिंग बड़ी तादाद पर है और इसलिए इन कंपनियों को आर्थिक रूप से काफी नुकसान होगा और इनके वैल्यूएशन पर भी काफी बड़ा असर पड़ेगा। भारत में कुल ऐप डाउनलोड का करीब 50% हिस्सा चीनी ऐप का होता है। बैन होने वाले ऐप में भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है टिकटॉक। दरअसल टिकटॉक के 30% यूजर भारतीय हैं और इसकी कमाई का 10% हिस्सा भारत से आता है। इस ऐप का संचालन चीनी कंपनी बाइटडांस करती है। टिकटॉक के लिए भारत सबसे बड़ा बाजार है। टिकटॉक के वैसे तो 20 करोड़ भारतीय सब्सक्राइबर हैं। पिछले साल भारत में इसके 8 करोड़ से ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर थे जिन्होंने इस पर 5.5 अरब घंटे खर्च किए थे। गौरतलब है कि चीनी कंपनी बाइटडांस का मार्केट कैप करीब 110 अरब डॉलर है, यानी 8,30,547 करोड़। बाइटडांस सिर्फ टिकटॉक ही नहीं बल्कि दूसरे बैन हुए लोकप्रिय ऐप हेलो का भी मालिक है। भारत में इसका संचालन बाइटडांस इंडिया सर्विस लिमिटेड के नाम से होता है। यही नहीं, वीवो इंडिया के ऐप का मालिक भी बाइटडांस ही है। बाइटडांस ने साल 2018 में म्यूजिकली को खरीदा था और इसका नाम बाद में बदलकर टिकटॉक कर लिया था। टिकटॉक ने अक्टूबर से सितंबर 2019 तक की तिमाही में भारत से 25 करोड़ रुपए की कमाई की थी। ऐप पर विज्ञापनों के जरिए कंपनी की कमाई लगातार बढ़ रही थी। कंपनी ने इस साल 100 करोड़ रुपए कमाई का लक्ष्य रखा था। कंपनी ने अगले 3 महीने में भारत में 1 अरब डॉलर के निवेश की योजना बनाई। यही नहीं, कंपनी का लक्ष्य इस साल भारत में अपने कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ाकर 1000 करने का लक्ष्य था। टिकटॉक के अलावा अन्य बैन हुए ऐप शेयरइट, यूसी ब्राउजर, यूसी न्यूज, लाइकी, वीचैट, वीवो, कैम स्कैनर, क्लीन मास्टर के लिए भी भारत एक बहुत बड़ा बाजार था। यूसी ब्राउजर देश में गूगल क्रोम के बाद सबसे बड़ा ब्राउजर था और ये भारत में काफी लोकप्रिय भी हो गया था। इसकी मालिक चीन की दिग्गज कंपनी अलीबाबा है। यह दुनिया में सबसे बड़ा थर्ड पार्टी मोबाइल ब्राउजर होने का दावा करती है और दुनिया भर में करीब 110 करोड़ लोगों ने इसे इंस्टॉल किया है, जिसमें से करीब आधा हिस्सा भारत में ही है। इसके भारत में 13 करोड़ एक्टिव यूजर हैं। इन ऐप्स पर बैन के बाद अब चीनी सरकार को समझ आएगा कि भारत के साथ पंगा लेकर उसने कितनी बड़ी गलती की है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।